अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त हुसैनाबाद में मौजूद हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सोसाइटी में। वो सोसाइटी क्या है मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, थोड़ी देर में आप खुद ही जान जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कुर्बानी के जानवर हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। और बाड़ा सिस्टम आपने बाहर तो देखे होंगे बाड़े कैसे होते हैं, मगर ये सोसाइटी के अंदर बहुत ही अच्छा इनका सिस्टम है। और बाड़े यहाँ कैसे लगते हैं हम आपको वो भी बताएँगे। तो फिर चलिए चलते हैं और आपको मिलवाते हैं यहाँ पर लोगों से और बाड़े सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको मिलवाता हूँ ये जो आपने इतनी खूबसूरत सी बछड़ी देखी इसके ऑनर से, और इस बछड़ी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने बछड़ी ली है ये आपने परचेस की है या पलवाई है? ये हमने पाली है। अच्छा, पाली है आपने। कितने टाइम से तकरीबन ये आप पाल रहे हैं? 1.5-2 साल हो गए इसको हमारे पास। अच्छा, 1.5-2 साल हो गए। और मुझे ये बताएगा कि जो इनका खाना होता है ये नॉर्मली होता है या फिर कुछ स्पेशल खाते हैं ये? नहीं, मतलब जैसे घी तेल दूध सीजन वाइज डलता रहता है इनको। ठीक है। जैसे इनकी देर कम सर्दी आएगी तो घी चढ़ेगा, गर्मियों में अलग चीज़ें चढ़ेंगी, फिर ये अपनी जानें पकड़ती हैं। ठीक है। और ये बताएगा कि कौन सी नस्ल है? ये लाल नुकरी कहलाती है। अच्छा, लाल नुकरी कहलाती है। और मुझे ये बताएगा कि मेरे ख्याल से आपके घर के बाहर है ना बाड़ा, तो यहाँ आपको कैसी फैसिलिटी मिल रही है सोसाइटी के अंदर? बहुत अच्छी मिल रही है फैसिलिटीज़, क्योंकि बार बार हर कोई आता है सफाई कर जाता है। ठीक है। सफाई का इंतज़ाम बहुत अच्छा है और सेफ भी रहे जानवर इधर। अच्छा, सेफ भी है। तो नाज़रीन, ये आपने इनके जो गोल्डन बर्ड्स थे वो देखे और हमने आपको इस सोसाइटी के बारे में बताया। तो नाज़रीन, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि हमने आपको इतना खूबसूरत जानवर भी दिखाया और भी दिखाएंगे। हमारा पेज है फेसबुक पर दी मेमन टीवी HD, उसे लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो नाज़रीन, मुझे इस कॉलोनी में कुछ लोग मिले हैं, चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं और इस कॉलोनी के बारे में भी जानते हैं, कोशिश करेंगे कि इस बाड़े के बारे में भी जानें। आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सफाई सुथराई कर रहे हैं? सफाई सुथराई का हिसाब किताब देख रहे हैं भाई, पूरा मोहल्ले का। ये हम लोगों ने मतलब वो रखा हुआ है, जानवर भी हमारे अपने कॉलोनी में, हम लोग रिहाइश भी है हमारी यहाँ। भाई जान, एक सेकंड रुके, आप सफाई सुथराई की बात कर रहे हैं तो आपने धोती वगैरह कहाँ पहनी? आप बाड़े वाले कहीं से ले रहे हैं? धुलने के लिए गई भी है भाई। अरे वो बात सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा धोती। मकसद भाई देखे, मकसद देखे, जो भाई भाड़े वाला होता है वो तो ऐसे ही लगता है तो सॉरी भाड़े वाले भी हैं। अच्छा अच्छा, हम लोग हमारा कॉलोनी का हिसाब किताब है, सफाई सुथराई। ये देखें आप, थोड़ा कैमरा आप इधर अगर दिखाएंगे तो ये लड़के भी हमारे लगे हुए हैं, काम रात को भी हमारा चालू है। यानी आपकी पूरी टीम है जो यहाँ पे खिदमत कर रही है? सही है, सही है। मैं सिर्फ आपसे जॉक कर रहा था, यानी 2023 में अब लोग इतने एडवांस हो गए कि अब वो धोती वगैरह नहीं पहनते, ये समझ लें। आप मुझे एक बात बताएं, आप माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद लग रहे हैं, तो क्या राज है इसका? खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाते हैं। अच्छा अच्छा, और ये पूरा आप ही देखते हैं जितना भी निज़ाम वगैरह? अहमद भाई हैं, हमारे अल्ताफ़ भाई हैं। अच्छा, आप, आपका नाम क्या है? फहद नाम है। और आपका नाम क्या है? अहमद। अच्छा, ये अहमद भाई हैं नाज़रीन, सदर साहब है अल्ताफ़ भाई, वो भी देखते हैं इस मामला को। अच्छा, आपके सदर अल्ताफ़ भाई हैं। तो नाज़रीन भाई देखिए, इतनी बड़ी कॉलोनी को इन्होंने कुछ वक्त के लिए बाड़ा बना दिया है, मगर सारी सफाई हो जाएगी, यहाँ के लोग इनसे बहुत खुश हैं, इनके काम से बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आता। अच्छा, तीसरी को यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि मेमन टीवी यहाँ नहीं आ सकेगा, मगर आपको बता देते हैं कोशिश हुई तो हम आपको वो भी फुटेज दिखाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मेमन टीवी के लिए क्या कहेंगे, इतनी खिदमत कर रहा है, रातों को दिखा रहा है लोग कवरेज। मेमन टीवी हम मेमनों की समझो बिल्कुल आवाज़ है। लाइक करना चाहिए पेज को? बिल्कुल लाइक, बोलें कि दी मेमन टीवी HD के पेज को लाइक करें। लाइक करो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आपकी मेहरबानी, आप यहाँ पे आए हो हमारे पास इतनी रात को, और हम आपको और क्या बोलें भाई। भाई हमारे CEO ने भेजा है तो हम खास तौर पे उनकी रिक्वेस्ट पे हैं, तो बस हमारे CEO को भी काफ़ी सराहें, वो काफ़ी मेहनत करते हैं, पूरी टीम को, मेमन आवाज़ की पूरी टीम है। और आ जाइए भाई, पूरी टीम आ जाए, पूरी टीम से मिलवाते हैं। ये हमारे बहुत अच्छे एक भाई हैं, आपका नाम क्या? हारिस, मोहम्मद हारिस। हारिस भाई हैं हमारे साथ, और एक कामरान भाई हैं ये मेरे ख्याल से। आ जाए, आ जाए, आ जाए भाई, आ जाए, आइए। शमीम भाई आप कहें, आ जाइए भाई। देखिए ये है हमारे माशाल्लाह डायरेक्टर, और बस
ये हमारे प्यारे शमीम भाई और सारे मामले यही देखते हैं। जी जी जी, आप आगे इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, आगे चलते हैं। चले चले चले। अच्छा तो भाईजान एक बात बताएं, माशाल्लाह आपकी जो कॉलोनी के जानवर हैं आप भी कितना सेहतमंद है, हमें दिखाएं ना फिर। चले आ जाए, आइए नाज़रीन चलते हैं। माशाल्लाह भी बहुत प्यारा जानवर है। देखें सर, ये देखें हमारे ये पड़ोसियों के ये जानवर हैं, ये खूबसूरती में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आपको इसीलिए मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये देखिए ये जानवर हैं, और ये जानवर है सारे फार्म के जानवर हैं, ये सब फार्म के जानवर हैं ना, मतलब वहाँ से हम लोग लेके, ये हमारे पड़ोसी लेकर दिखा देते हैं यहाँ पर आगे आगे भी। ठीक है, सफाई सुथराई का ख्याल हम लोग खुद करते हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं कितनी सफाई वगैरह है यहाँ पर, और आपको पता है सब चीज़ें उठती हैं, मिट्टी वगैरह सब उठेगी, सब ये चांद रात वाली उठ के यहाँ कटती है, इलायची वगैरह सब बाहर से गलियाँ धुलती हैं, हर चीज़ होता है। अच्छा अच्छा सब होता है, ठीक है ठीक है। अच्छा तो नाज़रीन आपको एक बात और बताना मैं चाहूँगा कि हमारे जो CEO हैं वो इस वक्त एक प्रोग्राम कवर करने गए थे, तो वो भी इत्तेफाक से हमारे साथ आ गए पूरी टीम के साथ, हम आपको उनसे मिलवाएंगे, अली गोडिल साहब से और उनकी पूरी टीम से। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी रात का प्रोग्राम करके आ रहे हैं। जबर मेरी अपनी कॉलोनी है पोरबंदर, मेरी अपनी रिहाइश भी यहीं पर है माशाल्लाह, और ये हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, आपको देख रहे हैं सेहतमंद जो है फहद भाई, अहमद भाई, इनकी बड़ी माशाल्लाह काविश हैं। और आपने इलाकों में देखा होगा, मुख्तलिफ इलाकों में बारह सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ऐसी सर्विस दी है कि तमाम लोग अपने अपने घरों के बाहर जानवर को खड़ा करते हैं, सफाई सुथरा का सारा निज़ाम ये देखते हैं, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट, अगर कोई भाड़े की मैं कहूँ अगर कि पर नाइट या डे के जो चार्जेस होते हैं उससे भी बहुत कम चार्जेस में ये लोग माशाल्लाह खिदमत करते हैं। तो फहद भाई अपनी तरह तंदुरुस्त जानवर हमें दिखाएं यार, प्लीज़ आइए आ जाए। तो नाज़रीन रात के इस वक्त 3:30 के करीब हम लोग इस सोसाइटी में मौजूद हैं, और देखें यहाँ बच्चा पार्टी को, जो ऐसे दिनों में तो इनकी मौजें हो जाती हैं, अब इनसे कुछ जानते हैं लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। हाँ भाई बच्चा पार्टी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप लोग, सब लोग ठीक ठाक हैं? जी, तो ये जो नन्ने मुन्ने आपके मेहमान आए हैं इनके साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? फुल फुल एंजॉय कर रहे हैं भाई, बच्चा पार्टी इस वक्त फुल एंजॉय कर रही है। ये देखें इसको, इस खास तौर पर इस बच्चे को देखें, और आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं वीडियो देख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नाज़रीन यहाँ पर एक साहब मौजूद है, मेरे ख्याल से जानवर को प्यार कर रहे हैं, चले हम इनसे जानते हैं कि आधी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं। भाई ये क्या कर रहे हो यहाँ पर? जानवरों को खिलाने आए। जानवरों को खिलाने आए हो? अच्छा आपका है जी, कितने का लिया? 2 लाख रुपये का। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कुर्बानी कबूल करे। तो ये क्या खाता है भाई आपका जानवर? आपके सामने क्या खा रहे हैं? मेरे सामने क्या है, मुझे क्या पता, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा गुट्टी खाएगा, लकड़ी और भूसी और। अच्छा लकड़ी भूसी वगैरह, सॉरी मजाक कर रहा था। तो ये भी भाई देखें इसी कॉलोनी में रहते हैं, और हमारे जो CEO हैं अली गोडिल साहब वो भी इसी कॉलोनी में रहते हैं, तो चलिए आपको उनसे मिलवाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएगा यहाँ पर जो सफाई सुथराई के हवाले से क्या निज़ाम होता है? अहमद भाई काम करते हैं, फहद भाई ये बहुत अच्छा काम करते हैं सफाई की। मकसद मैंने बात सुना है, देखिए मैंने उनको मत बताइए, मेरे को ये बताइए, मैंने सुना है कि भाई ये साफ हो जाती है तीसरी ईद को, ये कॉलोनी बिल्कुल साफ हो जाती है, कैसा है? रात को हो जाती है, हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, हो जाती है। चले नाज़रीन तो चलिए आगे और जानवर देखते हैं। तो नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पर एक खवातीन भी मौजूद हैं, जिनसे हम इस कम्युनिटी के बारे में, इस सोसाइटी के बारे में पूछेंगे क्या सफाई का कैसा इंतज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। वालेकुम सलाम। बाजी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है इस कम्युनिटी के हवाले से ना, कि बहुत अच्छे सफाई का निज़ाम होता है और यहाँ बहुत अच्छे से देखते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे नाज़रीन को बताएगा क्या ये बात सही है? नहीं नहीं, ये तो बात सही है, यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी कमेटी बहुत अच्छी है, साफ़ सुथराई करते हैं, टाइम पर आ जाते हैं, हर चीज़ करते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है हमारी कॉलोनी तो। हाँ अहमद भाई हैं, फहद भाई हैं। हाँ ठीक है, तो नाज़रीन देखें ये हमारे साथ बाजी मौजूद थी, और जिनके हमने आपको रिव्यू दिखाए और जो अपने अल्फाज थे वो दिखाए, तो चलिए आगे चलते हैं। तो नाज़रीन हमारे साथ इस कम्युनिटी के चेयरमैन भी मौजूद हैं, जो कि सारे वैसे तो हमने आपको जो लोगों से मिलाया है वो भी काम कर रहे हैं, मगर यहाँ के हेड है, प्रिंसिपल है, तो चलिए अब इनके कुछ हम गोल्डन वर्ड जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है,
हम ये पूरी पोरबंदर कॉलोनी का सेटअप हमारे हाथ में रखा हुआ है, सफाई सुथराई सब लेबर अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, किसी चीज़ की किसी को भी शिकायत नहीं है और 24 घंटे लगे हुए हैं लेबर काम कर रहे हैं। सर एक बात पूछूंगा मैं आपसे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जान करके तंग करने वाले, वैसे लोग हैं इस कॉलोनी के अंदर? नहीं नहीं नहीं, हालांकि मेहरबानी से कोई जान के तंग नहीं करता है, सब अच्छे लोग हैं, हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। सही। और इस पोरबंदर जमात का कैप्टन हूँ मैं। अच्छा जमात का, और खाले हमको दे देते हैं ये इलाके वाले। अच्छा खाले भी देते हैं, कोऑपरेट करते हैं। दो पार्क हम जमात की तरफ से बना के दिए हैं इसको। अच्छा, एक हाजी इस्माइल पार्क, एक हबीब हाजी सकूर बाडेलिया पार्क, जो देखो दोनों जो तरफ है ये हमने जमात की तरफ से बना दिया और हमारे मुझे हजरत जो डोनर हैं इसकी मदद से। अच्छा मुझे एक बात पता चली है कि अभी तो देखें हम यहाँ पर इतने सब जानवर खड़े हुए हैं और इतनी आलाइशें होती हैं, सब कुछ होती हैं, और तीसरी ईद को मैंने सुना है कि बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। बिल्कुल साफ, अगर आने वाला अगर देखेगा ना तो यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है, हालांकि 200-300 जानवर बंधे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये सारी जो मिट्टी है ना ये हमने ऐलान कर दिया है कि भाई ये ना भूत को सारी मिट्टी उठ जाएगी। अच्छा अच्छा, सारी मिट्टी कुछ भी नहीं होगा इधर, जानवर मिट्टी चांद रात। चांद रात को तो फिर जो जानवर जबा कर रहे होंगे वो यानी आराम से कर सके। हाँ। और गेट भी बंद रखेंगे, कोई स्कूटर वाला कोई मोटरसाइकिल वाला कोई कार वाला कोई इनको तकलीफ भी नहीं देगा, ये अपने हिसाब से। यहाँ कोई फकीर यहाँ आते हैं, फकीर आते हैं जो तंग करते हैं वो भी नहीं आएंगे। अच्छा, जो आप खाले वगैरह हैं वो अपनी जमात को देते हैं या कोई जैसे मदरसे वगैरह उनको डोनेट करते हैं? हम अपनी जमात के लिए देते हैं, हमारे जमात के जो मेंबर हैं ना इसके मेडिकल हेड के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो हमको इलाके वाले दे देते हैं। सही, सब दे देते हैं, हम उनके लिए सर्विस भी देते हैं, काम भी करते हैं, 1 रुपया भी नहीं लेते हैं हम इनसे। हम बिल्कुल 20-22 आदमी लेबर है, 20-22 लेबर है जो सारी सफाई करती है, 10-10 है। नहीं बिल्कुल दिखाएंगे भाई। नाजरीन अली भाई हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं, अली गोडियल साहब तो हमारे सीईओ है ना, उनको तो मिलवाएंगे। मतलब जो भी मतलब काम होते हैं हम किधर फंसते हैं तो अली भाई से भी मदद लेते हैं कि अली भाई देखो पानी का पाइप फट गया है, तो ये फौरन एक फ़ोन पे हमारे को काम करा देता है, एक आवाज़ में ये हमारा बहुत साथ देता है। पोरबंदर सूर्यावर मेमन जमात की जानिब से मुला कमेटी एल ए मुला से अपील है कि हमको खाल दे दे पोरबंदर जमात को, ताकि हम आपको और सर्विस दे सकें और बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लें इसमें। तो नाजरीन मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और इनका निज़ाम देख के कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा। तो देखें भाई जो पोरबंदर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने मैसेज सुन लिया है और आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि अपनी जमात को ही दीजिएगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। चलिए तो आगे चलते हैं। तो नाजरीन जिस तरह फहाद भाई ने कहा था कि अपनी तरह सेहतमंद जानवर दिखाएंगे तो सिलसिला जारी है। ये देखिए एक जानवर और आगे हम आपको और भी दिखाएंगे। क्यों फहाद भाई आई? तो नाजरीन ईद कुर्बा है और ये मेमन कौम का जज्बा है। अगर आप ये स्क्रीन में मेरे देखें तो एतराफ में चारों तरफ आपको जानवर ही जानवर नजर आ रहे होंगे। ये सिर्फ अभी एक कम्युनिटी है पोरबंदर जिसमें मैं मौजूद हूँ, और अभी अगर एतराफ में मैं देखूँ तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर बेतहाशा जानवर मौजूद हैं। मेमन बिरादरी आपको पता है कि कभी भी पीछे नहीं हटती किसी भी मामले में। तो चलिए अब हम आपको और भी जानवर दिखाते हैं, उन फहाद भाई को ढूंढते सबसे पहले आइए। अरे फहाद भाई मिल गए, फहाद भाई मिल गए, आ जाए नाजरीन, फहाद भाई मिल गए। अरे फहाद भाई कहाँ हो आप? फहाद भाई इधर आओ, ये रहे नाजरीन, फहाद भाई मिल गए मुझे और जानवर भी मिल गए। और कहाँ पे जानवर है? तो नाजरीन आखिरकार फहाद भाई हमें मिल गए, ये हंसते भी बिल्कुल मेरी तरह है। क्यों फहाद भाई? सही। अच्छा फहाद भाई, अच्छा नाजरीन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखें यहाँ पर कितना प्यारा इंतजाम किया है, छोटे छोटे हाउसेस बनाए हुए हैं। अगर आप ऊपर दिखाएं प्लीज कैमरे को पैन करते हुए दिखाएगा, तो ये छोटे छोटे हाउसेस बने हुए हैं। मुझे इस कॉलोनी का जो है सेटअप बहुत अच्छे लगे और बहुत अच्छे इंतजाम लगे। अच्छा फहाद भाई ये जो पीछे जोड़ी खड़ी हुई है ये किसकी है? ये हमारे सोहेल भाई है, हमारे पड़ोसी है सोहेल भाई, उनके जानवर है। माशाल्लाह सेटअप इन्होंने बहुत अच्छा डाला है, और ये सारा हिसाब किताब जो जाता है ना जरा वोट जिसको बोलते जाता है, हमारे जो अली गोडेल है नाम तो सुना होगा आपने, सारा वोट उन्हीं की तरफ जाता है। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को थोड़ा तसल्ली भी दी है, हम लोगों के साथ साथ हैं वो बात। तो नाजिन ये दी मेमन टीवी के सीईओ की बात कर रहे हैं। अच्छा उनकी जबानी तो सुन ली, अब जरा हम अपने फहाद भाई की जबानी सुनते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही है, अली भाई की अली, 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 अली भाई बिल्कुल हमारे साथ हैं और हर चीज में हमारे साथ साथ खड़े हैं। चले बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन चलिए आपको और भी जानवर दिखाते हैं, और मैं पूरी पोरबंदर बिरादरी को खराज तहसीन पेश करूंगा कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। और चलिए फिर हम मिलते हैं किसी और सेगमेंट में आपके साथ।